स्कूल में बैग तले दबते बचपन को देखते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को स्कूल में बैग का वजन कम करने और पहली व दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क न देने का निर्देश दिया है। मगर फरीदाबाद में सरकारी स्कूल ही सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ सरकारी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे आज भी बड़े बड़े बैग कंधों पर लटका कर ले जाते हुए दिखे, तो वहीं पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को अध्यापकों ने होमवर्क दे डाला। ये फरीदाबाद है साहब, यहाँ नियम भी हमारे होते हैं और कानून भी हमारे, ऐसा ही कुछ दर्शा रही हैं ये तस्वीरें। तस्वीरें छोटे छोटे बच्चों की पीठ पर लदे हुए बड़े बैगों की है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सख्त निर्देश के बाद भी सरकारी स्कूली सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की पीठ पर बस्ते का बोझ एक बड़ा मुद्दा रहा है। अभिभावकों ने जहां इसे लेकर चिंता जताई है, वहीं डॉक्टरों ने भी बच्चों की सेहत की दृष्टि से इसे सही नहीं बताया है। बस्ते के बोझ को कम करने को लेकर समय समय पर संबंधित विभागों की ओर से निर्देश भी जारी होते रहे हैं। हम 7th क्लास में पढ़ते हैं, स्वास्थ्य कॉलोनी से आते हैं। कितना वजन होगा लगभग आपके बैग में? 5-6 किलो। 6 किलो वजन है। राहुल कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में। अच्छा, कितना वजन होगा आपके बैग का लगभग? 3-4 किलो। ये बताइए, जो आप उस बैग लाते हैं कितना वजन होता है बैग का? बहुत वजन होता है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे स्कूलों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई और स्कूल बैग के वजन को लेकर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नियम बनाए। इसमें कहा गया है कि पहली से दूसरी कक्षा के छात्रों के बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह तीसरी से पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थियों के बैग का वजन 2-3 किलोग्राम, छठी से सातवीं के बच्चों के बैग का वजन 4 किलोग्राम, आठवीं तथा नौवीं के छात्रों के बस्ते का वजन 4.5 किलोग्राम और दसवीं के विद्यार्थी के बस्ते का वजन 5 किलोग्राम होना चाहिए। जो बच्चे को बैग का वजन माने तो बैग का वजन कितना होगा? बैग का भी वजन बढ़ी जाता है बच्चे का, उसमें लेवल कितना है। छोटे ही बच्चे हैं, रोड क्रॉस करके आते हैं, ऑन रोड स्कूल है तो उसमें 3 किताबें हो जाती हैं, 3-4 कॉपियां हो जाती हैं जो सब्जेक्ट वाइज होती हैं। फिर एक सक्षम की हो गई, एक्स्ट्रा क्लासें लगानी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा क्लास की कॉपी हो गई। फिर एक LEP चली हुई है, इन लर्निंग हस्बेंड प्रोग्राम है, उसकी 3 कॉपियां हो जाती हैं। लगभग कम से कम 10-11 तो कॉपियाँ हो जाती हैं। बच्चों को हमने ये निर्देश दिए हैं कि हम बच्चों को टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही शिक्षा देते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं कि भाई टेस्ट बुक के अलावा और कोई सामान नहीं लाएं ताकि बैग में अधिक वजन न हो, और की तो बिल्कुल ही मत रखें, है ना, केवल टेस्ट बुक ही होनी चाहिए ताकि वजन कम रहे, है ना। टाइमिंग कितनी होगी? टाइमिंग जो है हमारा सर्दियों में 7:55 से लेकर के 12:30 तक हमारा 9 से 12 तक होता है, उसके बाद हमारा डबल शिफ्ट होता है 6 से 8 तक। हमारा स्कूल का टाइम 7 से लेकर 12:30 तक निर्धारित है, जिसमें 6:50 तक बच्चे आ जाते हैं और 12:35 यहाँ से चले जाते हैं। कभी आपने स्कूल बच्चों का बैग कभी तोला हो, कितना वजन है उसमें, कितना नहीं है? स्कूल के बच्चों का बैग 3.5-4 किलो के लगभग होता है, और ये क्लास टू क्लास डिफर करता है। जैसे कि साइंस की क्लास है उनका 1-2 किलो फालतू हो सकता है, कॉमर्स वाले हैं उनका 4 किलो के लगभग, और आर्ट्स वालों का 1-2 किलो कम भी हो सकता है।